नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं अरमन यादव और अब फसल क्रांति की टीम पहुंच चुकी है दयाल ग्रुप के इस स्टॉल पर, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र उपाध्याय जी, जो कि क्लस्टर इंचार्ज हैं यहां पर। सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर जी। सर आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि दयाल ग्रुप यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय किसान मेले में कई सालों से यहाँ पर स्टॉल लगा रहा है, तो सर पहली बार स्टॉल लगाने पर दूसरी तीसरी और चौथी बार के बाद अब पांचवी बार आपने यहाँ जब लगाया है, तो क्या उसमें फ़र्क दिखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, अगर हम बात करते हैं हमारी कंपनी 1979 से वैसा कार्यरत है जी, और उसके बाद से समय समय पे हम जाते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो अपना स्टॉल वगैरह लगाते हैं जी। और अगर पिछले 5 साल की मैं बात करता हूँ, पिछले 5 साल से मैं ही कंटिन्यू यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में अपना स्टॉल लगा रहा हूँ दयाल ग्रुप का जी। तो मैंने पाया है कि आपसे अगर 5 साल की बात करें तो किसान आपसे 5 साल पहले इतना एग्रेसिव नहीं था जितना आज है। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बदायूं, शाहजहाँपुर और आपका लखीमपुर खीरी, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज तक के किसान यहाँ पे आते हैं जी। जो कि गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे रखी है उनके लिए, ब्लॉक वाइज गाड़ी या प्रोवाइड करा रखी है, तो यहाँ पर किसान आते हैं और नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जी। यहाँ पर किसान आते हैं तो नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमारे पास में दयाल ग्रुप का पूरा अपना सेटअप है। फर्टिलाइजर सीड्स में हम डील्स करते हैं, फर्टिलाइजर्स में करते हैं, कैटल फीड्स में करते हैं जी। तो किसान, कोई भी किसान भाई आ सकता है, किसी भी तरीके की जानकारी यहाँ पे ले सकता है जी। सर क्या फर्क आया है पिछले साल के किसान मेले से इस बार के किसान मेले में? क्या आपको यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिली है, क्या खास हो रहा है? नई चीज़ें तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, लास्ट ईयर से की कंपेरिजन है इस साल से करें जी, तो किसानों का जो भाव था वो लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा है जी। तो इससे देखने को मिलता है कि किसानों को नई नई तकनीकी सीखने में रुचि है जी। तो सबसे मेन फ़र्क तो यही है, जब किसान यहाँ पे आया है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आया है, तो मेन फ़र्क यही है जी। सर कौन कौन से राज्यों में अभी दयाल ग्रुप काम कर रहा है? आपने जैसे यहाँ पर पीछे बैनर लगाया है, मुझे तो लगता है पूरे देश में दयाल ग्रुप काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हम पूरे 28 राज्यों में काम करते हैं जी, और मेन हेड ऑफिस हमारा यहीं पर प्रतापपुर है, मेरठ में ही है, तो यहीं से सारा कंट्रोलिंग काम करते हैं। सर किस तरीके से दयाल ग्रुप किसानों को मुनाफा दिला रहा है, कम दामों में किस तरीके से किफ़ायती उत्पादन दिला रहा है, और किस तरीके से आपके कौन कौन से नए उत्पाद हैं जो आपके पास इस समय मौजूद हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखो सभी लोग किसान लोग दयाल से परिचित हैं, किसान की सोच के लिए, किसान का भरोसा जीतने के लिए ही कंपनी हमारी चलती है। किसान को हमारे पे गुणवत्ता हम देते हैं तो किसान को हमारे पे ट्रस्ट है। अभी अगर हम बात करें तो नए प्रोडक्ट की बात करें तो हमने एक प्रधान सीरीज लॉन्च की है स्पेशल क्रॉप के लिए। अगर आने वाली रबी क्रॉप की हम बात करते हैं तो हमने कनक प्रधान अपना एक प्रोडक्ट आता है, वो जो बायोस्टिमुलेंट है। क्रॉप वाइज कनक प्रधान है, धान प्रधान है और आलू प्रधान है, इस टाइप में हम डील करते हैं। ये किसानों के उत्पादन में बेनिफिट देगा किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए, इसी के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। फसल और कृषि से रिलेटेड जो भी जानकारी आप अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें फसल क्रांति का चैनल। आप देख रहे थे फसल क्रांति, मेरे साथ मौजूद थे जितेंद्र उपाध्याय जी, जो कि क्लस्टर लीड मैनेजर हैं यहाँ पर। नमस्कार।